दो तीन महीने पहले मॉन्स्टर्स ने अपनी अगली फिल्म गॉडज़िला वर्सेस कॉन्ग 2 अनाउंस कर दी थी। फिलहाल मैं उस पर बहुत जल्दी वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि मैं कुछ परेशानियां फंसा हुआ था, इसलिए एक महीने से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, लेकिन अब सब ठीक है। खैर, तो इस मूवी के सेट फोटोज का इसका टाइटल भी रिवील हो चुका है, जो कि है गॉडज़िला एंड कॉन्ग, जो कि बिल्कुल ठीक है। मेरे और फैंस के अकॉर्डिंग ये टाइटल बताता है कि गॉडज़िला और कॉन्ग एक बार फिर एक थ्रेट के साथ लड़ेंगे, और ये इन्फॉर्मेशन बहुत पहले ही मुझे मिल चुकी थी। इस फिल्म में हमें हॉलोअर्थ के बारे में और थोड़ी जानकारी और गॉडज़िला वर्सेस कॉन्ग के ओरिजिन्स के बारे में पता लगेगा। कुछ और सेट फोटोज़ भी सामने आई है जो KDM द्वारा मुझे मिली है, और इन फोटोज़ को देख के लग रहा है कि अधिकतर सीन्स हॉलोअर्थ के ही हैं। साथ ही साथ एक न्यूज़ ये आई थी कि गॉडज़िला ब्राज़ील की ओर जा रहा है। अब वो ब्राज़ील वहाँ क्या करने जा रहा है? कुछ फैंस थ्योरीज की माने तो गॉडज़िला वहाँ भीमत के लिए गया था, लेकिन मुझे इस पर यकीन नहीं है। ये मेजर वीडियो भी उसी सीन की ही है जब गॉडज़िला ब्राज़ील की ओर जा रहा था, जहाँ पे पुलिस वाले भी हैं और साथ ही साथ शूटिंग कैमरा और वर्कर्स भी है, और लोग समुंदर की तरफ देख के बहुत तेज भाग रहे हैं, और समुंदर की तरफ से सिर्फ एक ही टाइटन है जो आ रहा है, और वो है गॉडज़िला। गॉडज़िला ब्राज़ील क्यों जा रहा है? फैंस थ्योरीज के अकॉर्डिंग वो भीमत के पास जा रहा है, जबकि मेरे को ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा कि गॉडज़िला भीमत की तरफ जा रहा है, क्योंकि एक और लीक के अनुसार इस फिल्म में गॉडज़िला और कॉन्ग एक और डेंजरस क्रीचर के साथ लड़ेंगे, और वह क्रीचर हॉलो अर्थ में है। हॉलो अर्थ में रह के वो धरती को भी नुकसान पहुंचा रहा है, और ये क्रीचर आखिर है कौन? मे बी ये क्रीचर हो सकता है स्पेस गॉडज़िला या बायोलेंटे। इन दोनों में से कोई एक टाइटन है जो हॉलो अर्थ में रह के धरती को नुकसान पहुंचा रहा है। लेकिन मुझे ज़्यादातर लग रहा है, और बहुत सी इंफॉर्मेशन और चांसेस के अनुसार, ये बायोलेंटे ही हो सकता है। अपने 8 हाथों की मदद से ये हॉलो अर्थ में रहकर भी बड़ी आराम से धरती की सतह पर नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए गॉडज़िला इस मूवी में हमें परेशान सा दिखेगा, क्योंकि वो बस जगह जगह जाकर इस थ्रेट को समझने की कोशिश कर रहा है, और आखिर में वो हॉलो अर्थ में जाएगा इसका पता लगाने। इसके आगे की चर्चा मैं अगली वीडियो में करूँगा। देखिए, मेरे को वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, पर आपको सिर्फ 1 सेकेंड ही लगेगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने में और लाइक करने में, क्योंकि मैं 200 सब्सक्राइबर के बहुत करीब हूँ। गाइस, प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सपोर्ट करिएगा, प्लीज़। ओके, तो हाँ, ये वो लोग हैं।